नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं श्रावस्ति। बता दें कि श्रावस्ति में सरयू नहर के माइनर में रात में पानी अधिक होने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल डूब गई है। वहीं कुछ किसानों ने इसे हफ्ते में गेहूं की फसल बोई थी, जो अब पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है। वहीं किसानों का कहना है कि जब हमने सुबह उठकर देखा तो खेतों में बाढ़ की तरह पानी भरा हुआ था, जिसके बाद किसानों ने इसकी सूचना क्षेत्रीय लेखपाल और साथ ही कई अधिकारियों को दी है, लेकिन मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, जिससे नाराज होकर किसानों ने भारी संख्या में भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग को जाम कर दिया है और जिला प्रशासन के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान करीब दो घंटे लक्ष्मणपुर भिनगा में हाईवे पर जाम लगा रहा और इसके बाद से पुलिस ने पहुंचकर किसानों को मनाया, जिसके बाद मुआवजे की मांग रखकर जाम को किसी तरह वहां से हटाया गया है। बता दें कि श्रावस्ति की एक खबर बता रहे हैं, जहां पर किसानों की सैकड़ों बीघा जो गेहूं की फसल है वो डूब गई है और लगातार किसान जो है इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद से वहां पर प्रशासन पहुंची और किसी तरह समझा बुझाकर किसानों को वहां से हटाया गया, साथ ही उनके मुआवजे की भी बात की गई है। बता दें कि यहाँ पर खेतों में बाढ़ का पानी आ गया था, जिसके बाद से किसान लगातार परेशान थे और इस दौरान किसानों ने इसको लेकर सड़क जाम कर दिया, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसके बाद से प्रशासन वहां पहुंचे और किसी तरह से समझा बुझा के किसानों को वहां से हटाया, मुआवजे की भी बात की है किसानों से। और श्रावस्ति के सरयू नहर के माइनर में रात में पानी अधिक होने के कारण सैकड़ों बीघा गेहूं की जो फसल है वो डूब गई है, जिसके बाद से हफ्ते भर की जो ये गेहूं की फसल थी ये कुछ हफ्ते पहले ही किसानों ने बोई थी, जिसके बाद से ये फसल डूब जाने के बाद से लगातार किसान परेशान थे और इसको लेकर किसान की जो फसल बर्बाद हो गई है इसको लेकर लगातार मुआवजे की बात कर रहे थे। बता दें कि खेतों में बाढ़ के तरह पानी घुस गया था, जिसके बाद से किसानों की पूरी फसल जो है वो डूब गई, बर्बाद हो गई है, जिसके बाद किसान लगातार सड़कों पर थे। मौसम नहर का पानी खोल दिया गया, उधर हम किसानों के जो है धान भी एक ग्राम नहीं पैदा हुआ, इधर रबी की फसल भी जा रही है, पूरा सहियापुर जलमग्न है, लालपुर अयोध्या रामगढ़िया सब जलमग्न हो गया है। अब बताइए हम लोग क्या करें, किसे गुहार लगाएं, प्रशासन भी नहीं कुछ सुनवाई कर रहा है और नहर विभाग की गुंडागर्दी है कि बिना देखे हुए जो है माइनर अभी तैयार नहीं है और पानी को खोल दिया गया। किसानों के खेत में पानी घुस गया है और इसको लेकर किसान अब सड़कों पर आ गए हैं और आक्रोशित नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मांग रही थी किसानों की? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरयू नहर के जो माइनर हैं वो देर रात में माइनरों में पानी आ गया, जिसके चलते जो सरयू नहर के माइनर जो पानी कटे थे, बंदे कटे थे, वो माइनर ओवरफ्लो होने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। भिनगा क्षेत्र के भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग पर किसानों ने इकट्ठा होकर नाराजगी व्यक्त की और जिला प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। करीब दो घंटे तक भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग पर जाम लगा रहा, वही सूचना पर श्रावस्ति पुलिस ने काफी देर तक लोगों को किसानों को समझाया बुझाया, जिसके बाद किसान माने और अपने घर को वापस गए, जिसके बाद वहां से जाम की स्थिति खत्म हो गई। सूर्य प्रकाश जी, जिस तरीके से किसानों के फसल में ये खेत में जो ये पानी घुस गया, इसके बाद से प्रशासन वहां पहुंची, किस तरीके से प्रशासन किसानों को कंट्रोल करते हुए और किसानों को समझाते बुझाते नजर आई, क्या कुछ कहा है प्रशासन ने? नहीं, पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने रातों रात किसानों को गाड़ी मेहनत के जो पानी फैला गया उस पानी से किसानों की फसल डूब गई, जिससे किसानों के मुआवजे की मांग कर रहे थे, तो उन्होंने आपको समझा कि जल्दी आप लोगों को फसल डूबी हो उसके मुआवजा भी दिया जाएगा, क्षेत्रीय लेखपाल और नहर विभाग से सूचना दी गई, तो किसानों को फसल को नुकसान हुआ उसका मुआवजा भी दिया। चलिए सूर्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और श्रावस्ति की ये खबर बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जो है वे डूब गई है और खेतों में बाढ़ भरा पानी आ जाने के कारण ये पूरी फसल जो किसानों की थी वे डूब गई, जिसके बाद से किसान सड़कों पर आ गए और लगातार अपने बातों को लेकर, अपने मुआवजे की मांग को लेकर वो प्रदर्शन करते नजर आए थे, जिसके बाद से वहाँ प्रशासन पहुंचे, किसी प्रकार किसानों को समझा बुझा कर वहां से ले जाया गया है।
वहीं श्रावस्ती में एक सड़क हादसे में पिकअप और बाइक सवार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है, जिसके बाद से बाइक सवार युवक को परिजन युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां जिला अस्पताल में युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। इसके बाद से कोहराम मच गया। वहीं घटना श्रावस्ती जनपद के थाना कोतवाली भिनगा के अड्डा तिराहे की बताई जा रही है, जहां पर सिरसिया से अपने घर एक लौना से बंदराहा गांव जा रहा था, जहां ओम प्रकाश नाम का यह युवक उस वक्त घटना का वो शिकार हो गया जब भिनगा की तरफ से तेज रफ्तार से सिरसिया की ओर पिकअप वाहन आ रही थी, और इस दौरान बता दें कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। और इस मुद्दे को लेकर वहीं अब प्रशासन जो है शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसने भेज दिया है। मामले की तफ्तीश में लगातार प्रशासन जुटी हुई है, और बता दें कि पिकअप और बाइक सवार आमने सामने टक्कर हो गई थी, जिसके बाद से एक बाइक सवार जो युवक था उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि अस्पताल ले जाते ही युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, और पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बता दें कि ये जोरदार टक्कर थी बाइक और साथ ही बता दें कि पिकअप वाहन की। अब खबर इटावा से है, जहां पर बता दें कि निजी स्कूल बस से कुचलकर बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद से ग्रामीणों ने जसवंत नगर कचौड़ा घाट रोड पर जाम लगाया है, जहां पर पुलिस ने मृत युवक को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बस को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये इटावा की खबर है, जहां पर बता दें कि हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, और साथ ही ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है इटावा में, जहां पर बता दें कि इस दौरान दो लोगों की मौत होना बताया जा रहा है, और साथ ही तमाम लोग वहां जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में छोटे से गांव जुगराऊ में बता दें कि क्रिकेटर उपेंद्र यादव आईपीएल सीजन 2023 की हैदराबाद सनराइज टीम के लिए चुने गए हैं, और बता दें कि इसको लेकर गांव में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उपेंद्र को आईपीएल सीजन 2023 के लिए हैदराबाद की सनराइज टीम ने 25 लाख से चुने गए हैं। बता दें कि गाँव में उपेंद्र के परिजन साथ ही खुशी का माहौल गांव में देखने को मिल रहा है, मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं वे। उपेंद्र के आईपीएल टीम में चुने जाने के बाद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बधाई दी है, और उन्होंने कहा है कि इटावा की भूमि में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, हर कोई इस बात को भली भांति जानता है, और कि बड़ी तादाद में खेल प्रतिभाएं लगातार इटावा से सामने आती रही है, चाहे वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान शकील अहमद रूप में हो या फिर अन्य खिलाड़ी रहा हो। सपा प्रमुख ने उपेंद्र के उज्जवल भविष्य की कामना की है, साथ ही उपेंद्र रेलवे की ओर से रणजी टीम से क्रिकेट खेलता है। उपेंद्र अपने आप को भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानता है। उपेंद्र यादव सिलेक्ट हुए हैं आईपीएल में, आपकी क्या ओपिनियन उनके बारे में? देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूँ, जो खिलाड़ी अच्छा खेले वो आईपीएल में जाए, और इटावा से अगर कोई गया है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नौजवान इंस्पायर होंगे। अगर एक आज गया तो हो सकता है कल दूसरे खिलाड़ी भी इसी तरह आईपीएल में या दूसरे खेलों में जाएं, और इटावा ने बड़े खिलाड़ी दिए हैं। क्रिकेट में तो आज हम नाम सुन रहे हैं, लेकिन हॉकी में कितने नाम यहाँ से गए। शकील यहीं के थे, टीम कैप्टन रहे, और भी कई प्लेयर जो इटावा में खेलते थे वो देश की टीमों में जाकर के खेल खेले हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इटावा से हर क्षेत्र में नए नए खिलाड़ी जाएंगे जो इटावा का नाम ऊंचा करेंगे। रायबरेली में हर्ष फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाढ़ बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए हर्ष फायरिंग करते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। वही हर्ष फायरिंग का ये वीडियो खुलेआम पुलिस पर चुनौती देते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम पर
असलहा से युवक हर्ष फायरिंग कर रहा है। वहीं ये वीडियो लालगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से हर्ष फायरिंग की जा रही है और ये वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बता दें कि रायबरेली का ये मामला है जहां पर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन में बता दें कि हड़कंप मचता हुआ नजर आया है। वीडियो खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रही है। वहीं जिस तरीके से रायबरेली में हर्ष फायरिंग का मामला पहले भी सामने आ चुका था और उसके बाद एक और मामला सामने आया, जिसके बाद से बता दें कि बाढ़ वालाओं के ठुमके लगाते हुए और साथ ही हर्ष फायरिंग करते हुए ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लक्ष्मी शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मी शंकर, जिस तरीके से यह हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है रायबरेली से, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है। जी मैडम, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, बीती रात हर्ष ऑर्केस्ट्रा में हर्ष फायरिंग और जहाँ पर बाल बालाएं डांस कर रही थी, वही लालगंज कोतवाली पुलिस की लगातार पोल खुलती नजर आ रही, क्योंकि कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं फिर भी रायबरेली पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही, ना तो अपराध पर अंकुश लगा पा रही, और यदि कोई हादसा हो जाता इसका जिम्मेदार कौन होता, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लालगंज पुलिस की लापरवाही जरूर सामने निकल कर आ रही है। इस मामले को लेकर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस अभी तक छानबीन करे, फिलहाल देखा जाए तो अभी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम सफल साबित हो रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए लालगंज पुलिस इस समय अपनी कानून व्यवस्था सुधरने का नाम ले रहा, वही योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधियों पर ऐसे हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध लगा रखा, इसके बावजूद भी लालगंज कोतवाली पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। लक्ष्मी शंकर, जिस तरीके से ये मामला हर्ष फायरिंग का सामने आया है और इस मामले को लेकर अगर ये गोली किसी और को लग जाती तो ये कहीं ना कहीं वहां किसी की मौत भी हो सकती थी, पुलिस इस मामले को लेकर अब तक कार्रवाई क्यों करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्या कहना है इसको लेकर? आपने वहां के किसी अधिकारी से या किसी से बात करने की कोशिश की है? जी जी मैडम, बिल्कुल अधिकारियों से कोशिश की, उन्होंने बताया कि वीडियो संज्ञान में आया और इसकी जांच की जा रही, आखिर ये जो लड़के हर्ष फायरिंग कर रहे हैं ऑर्केस्ट्रा के दौरान, अभी तक इनकी पकड़ अभी तक लोगों ने ढूंढ नहीं पाया है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो लालगंज पुलिस की लापरवाही जरूर सामने निकला कर आ रही, कहीं ये बड़ा हादसा हो सकता था, ऐसे में पुलिस हर्ष फायरिंग रोकने में नाकाम साबित हो रही, कई बार ऐसे रायबरेली में घटनाएं हो चुकी है फिर भी अधिकारी एकदम मूक दर्शक बने हुए हैं। लक्ष्मी शंकर, ये कहां का वीडियो है, ये क्या ये कोई शादी समारोह है, ये कहां का वीडियो है? ये पार्टी हो रही थी, शादी वगैरह पे पार्टी हो रही थी, उसी दौरान मैडम बंदूक लेकर एक युवक चढ़ता है जहां पर बाल बालाएं डांस करती नजर आ रही है, वहां पर एक युवक द्वारा बंदूक से हर्ष फायरिंग की जा रही है, अगर वो बंदूक घूम जाती कहीं ना कहीं कई लोगों मौत के घाट उतर सकते थे। ये हर्ष फायरिंग करता हुआ जो युवक है, जो बहुत ही आलिशान तरीके से स्टेज पर खड़ा होकर हर्ष फायरिंग कर रहा है, ये कौन है, इसके बारे में आपने पता लगाने की कोशिश की? अभी तक इसका पता नहीं चल पा रहा, फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है मैडम। क्या पुलिस का क्या कहना है, कब इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई करेगी और हर्ष फायरिंग का जो मामला है, जिस तरीके से और भी हर्ष फायरिंग के मामले आए हैं, इस पर कब तक रोक लगा पाएगी पुलिस? वैसे अगर देखा जाए तो लालगंज पुलिस बिल्कुल ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही, क्योंकि एक नहीं कई बार वीडियो इस लालगंज कोतवाली क्षेत्र वायरल हो चुके हैं, जिस पर अभी तक किसी भी आरोपियों के ऊपर कार्रवाई आज तक लालगंज पुलिस नहीं कर पाई है मैडम। लक्ष्मी शंकर जी, जिस तरीके से यह हर्ष फायरिंग का मामला आया है सामने और बाढ़ बालाओं के ठुमके के साथ यह हर्ष फायरिंग का जो वीडियो सामने आया है, ये कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल तो खड़े कर रहा है, लेकिन एक और सवाल है, कैसे इस युवक के पास ये बंदूक आई है, क्योंकि इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। जिस तरीके से युवक के पास ये बंदूक आया है, ये कहीं ना कहीं किस तरीके से उसने लाइसेंस बनवाया होगा, जिसके बाद से उसके पास ये बंदूक आया और इसने हर्ष फायरिंग को अंजाम दिया, ये गोली किसी व्यक्ति को भी लग सकती थी। परिजनों की बंदूक है, जो कि वो अवैध रूप से परिजनों से बंदूक लेकर गया था, वो भी नशे में धुत बताया जा रहा है, जिस समय बार बार डांस स्टेज पर कर रही थी उस समय जितने युवक स्टेज पर डांस कर रहे थे सभी लोग नशे में धुत थे, ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं नशे धुत में किसी की मौत
भी जा सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, किसी की भी मौत हो सकती थी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रायबरेली की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर हर्ष फायरिंग का मामला ये सामने आया है। और इस दौरान बता दें कि ये वीडियो जो है बाड़बालाओं के ठुमके सर के साथ ही हर्ष फायरिंग का ये वीडियो तो वायरल हो रहा है, जिसके बाद से प्रशासन में भी काफी हड़कंप मच गया। और इस तरीके से बता दें कि यह वीडियो लालगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये युवक जो आप देखिए वीडियो में किस तरीके से सड़े आम हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है, इसकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि ये गोली किसी व्यक्ति को भी लग सकती थी और इस गोली की वजह से किसी की जान भी जा सकती थी। जो एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिला प्रशासन को आदेश करते रहते हैं कि कहीं पर भी कोई अवैध रूप से जमीन पर कब्जा ना कर पाए, साथ ही गरीबों के जमीन पर कोई पेशेवर माफिया और दबंग कब्जा ना कर पाए। लेकिन अगर वही बात की जाए रायबरेली जनपद के पूर्व विधायक रहे, बता दें कि स्वर्गीय अखिलेश सिंह की पुत्री आदित्य सिंह, जो कि इस समय सदर से बीजेपी विधायिका भी है, और इसके ऊपर उन्हीं के गांव के लोगों ने जमीन पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़ित गीता सिंह बता दें कि मीडिया से मुखातिब होकर बताया है कि सदर विधायिका आदित्य सिंह ने लगातार बता दें कि लगभग 3 दर्जन से अपने गुर्गों को जमीन पर कब्जा कर लिया है। साथ ही बता दें कि कई थानों की मौके पर फोर्स मौजूदा थी और इस दौरान सामने कब्जा होता रहा, और इस दौरान पीड़िता चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि, और साथ ही प्रशासन जो है वहां पर मूक दर्शक बना हुआ नजर आया। वही पीड़िता गीता सिंह ने बताया है कि कल आदित्य सिंह ने 5 थानों की फोर्स लेकर, साथ ही 3 दर्जन से अधिक अपने गुर्गों को लेकर जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं आज पीड़िता जिला अधिकारी के पास पहुंची है और इस दौरान उसने अपनी बातें रखी है, और साथ ही बता दें कि मामले को लेकर पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि ये मामला सामने आया है, जहां पर आदित्य सिंह पर आरोप लगता हुआ ये मामला सामने आया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लक्ष्मी सिंह जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहूंगी मैं लक्ष्मी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, ये कहीं ना कहीं दबंगई दिखाता हुआ ये मामले सामने आया है, इस पर प्रशासन ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? मैडम, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि रायबरेली के 5 बार के विधायक रहे स्वर्गीय अखिलेश सिंह, जो कि उनको डान कहा जाता था, उन्हीं के पुत्री हैं आदित्य सिंह, जो कि भाजपा से सदर विधायिका भी हैं। उन्होंने आज एक अवैध उसमें प्लाटिंग कर लिया, जिस पर जबरदस्ती कर लिया, वहां पर कई थानों की फोर्स और कई गुहापन पर काफी कई दबंग गुर्गे लोग पहुंच गए थे, जहां पर उस पीड़ित के जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही। कहीं ना कहीं देखा जाए, जहां ये लगातार एक बार योगी सरकार जिला प्रशासन आदेश करते हैं कि कोई कब्जा न कर पाए, लेकिन अगर वही बात की जा रहा है बरेली की, भाजपा से सदर विधायक आदित्य सिंह खुद ही अपने खुद ही मुख्यमंत्री के आदेशों का पालिता लगाते नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं देखा जाए गुंडई जरूर सामने निकल आ रही है। बिल्कुल 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 जांच कर रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मी शंकर, सही कहा आपने, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और पुलिस वहां पर मुखदर्शक बनी हुई खड़ी रही, ये कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरदोई के पिनाही कोतवाली इलाके में मारपीट के मामले में पिनाही कोतवाली के अंदर दारोगाओं के सामने गाली गलौज के वीडियो वायरल होने के बाद से पिनाही पुलिस की कार्यशैली पर बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश ने सवालिया निशान लगाते हुए अपने फेसबुक पर पोस्ट किया है और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर से सवाल भी उठाए हैं। साथ ही विधायक के पोस्ट के बाद से सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, वही पुलिस भी बचती हुई नजर आई है। दरअसल पिनाही कोतवाली इलाके में कस्बा मिश्राना के कल किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हुई। भरे बाजार में हुई लोगों के द्वारा की गई पीट जाने के बाद से वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और इस मामले को लेकर दोनों पक्ष कोतवाली भी पहुंचे, जहां पर कोतवाली के अंदर भी दबंगों की दबंगई और साथ ही पुलिस की बेबसी साफ नजर आई। ये दबंगई करते हुए गाली गलौज और साथ ही एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते रहे, लेकिन पुलिस जवान वहां पर मूक दर्शक बने नजर आए। कोतवाली के इस हंगामे से वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
बता दें आपको कि हरदोई का यह मामला है, जहां पर बता दें कि आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मारपीट हो रही है थाना कोतवाली में, और पुलिस जो है वे मूक दर्शक बनी हुई नजर आ रही है। इस मामले के सामने आते ही कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े हो गया है। बता दें कि हरदोई के पिनाही कोतवाली इलाके में मारपीट के मामले में पिनाही कोतवाली के अंदर दारोगाओं के सामने गाली गलौज भी हुई। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मारपीट भी हो रही है, लेकिन पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रही। और बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश ने सवालिया निशान लगाते हुए अपने फेसबुक पर यह पोस्ट किया है और साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए हैं। विधायक की पोस्ट के बाद से सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है, और साथ ही बता दें कि पुलिस भी इस मामले को लेकर बचती भी नजर आई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ संवाददाता हरदोई से जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरीके से यह मामला सामने आया है, पुलिस यहां पर काफी बेबस नजर आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों ये मारपीट हुई है, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी मैं आपको बता दूं, पिहानी कोतवाली इलाके में मारपीट का एक मामला सामने आया है। मामूली ही बात पर दबंगों द्वारा ये मारपीट की गई है, और जब पूरा मामला थाने पहुंचा तो जो दबंग लोग थे वो पुलिस के सामने ही फिर से मारपीट करने लगे, और पुलिस पूरी तरीके से बेबस नजर आई। जी इस मामले को लेकर पुलिस बचती हुई नजर आ रही है, आपने इस दौरान किसी पुलिस प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की, क्या उनका क्या रुख रहा है? जी इस पूरे मामले पर जब अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामले पर जो श्याम प्रकाश विधायक गोपा महोदय, उन्होंने भी पुलिस पर निशाना साधा है और कहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी पूरे मामले में लापरवाही बरतती नजर आई है। जी पिनाही कोतवाली इलाके के कस्बा मिश्राना में जो ये घटना हुई है, जहां जमकर मारपीट की गई, ये जो गुंडे थे, ये गुंडे मतलब ये कौन थे, इसको लेकर क्या पुलिस ने जांच पड़ताल की है अब तक? जी पुलिस पूरे मामले जांच पड़ताल में जुटी, पता लगाने में लगी हुई है कि कौन लोग हैं और किस बात को लेकर ये मारपीट हुई है, मारपीट इतनी क्यों बढ़ी, इस बात का पुलिस पता लगाने में लगी हुई है। जी इस वीडियो के सामने आने के बाद से दोनों पक्ष कोतवाली भी पहुंचे थे, इसको लेकर जी वीडियो आने के बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे, कोतवाली में भी दोनों पक्ष पुलिस के सामने ही आपस में भिड़ गए और पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी, मारपीट केवल देखती रही। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरीके से पुलिस वहां पर बेबस नजर आई और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई नजर आई, जिस तरीके से मारपीट का मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं इस मामले में किसी को काफी चोट भी लग सकती थी, गंभीर चोट भी लग सकती थी, लेकिन वहां पर पुलिस मूक दर्शक बनी नजर आई, पुलिस ने वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की। जी पुलिस मूक दर्शक बनी, सब देखती रही, पुलिस के सामने सब कुछ होता रहा और पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी। यानी आप देख सकते हैं कि हरदोई में दबंगों के हौसले कितने बुलंद है कि पुलिस के सामने ही ये सब होता रहा और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मोहम्मद आसिफ, जिस तरीके से दबंगों के हौसले इतने बुलंद है हरदोई में कि पुलिस के सामने ही थाने में ही मारपीट होती रहती है और पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी बैठी रहती है, ये पुलिस जनता के लिए क्या काम करेगी आगे, ये पुलिस इस पुलिस पर जनता कैसे भरोसा करे, क्योंकि जब गुंडे मवाड़ी जब थाने के अंदर ही आकर मारपीट करना शुरू कर देते हैं और पुलिस वहां पर बेबस चुपचाप मूक दर्शक बनकर बैठी नजर आती है, तो वहां पर ये पुलिस जनता के लिए क्या एक्शन लेगी? बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हरदोई की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि थाने के अंदर जमकर मारपीट हुई है और वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी, लेकिन वे मूक दर्शक बनी हुई नजर आई है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों यह मारपीट हुई है और इसको लेकर किस तरीके से इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर हमारे संवाददाता से हमारी बातचीत हो रही थी और इस मसले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और क्यों ये मारपीट हुई है, इसको लेकर अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये पुलिस के सामने ही ये मारपीट हुई और जिस तरीके से वहां पर पुलिस मूक दर्शक बनी नजर आई, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल इसलिए खड़े करता है क्योंकि प्रशासन पर जिम्मेदारी जनता की होती है और जनता अगर प्रशासन ही कोई कार्रवाई ना करे, मूक दर्शक बनी नजर आए, तो जनता की हिफाजत कौन करेगा?
अब खबर बलरामपुर नगर के रामलीला मैदान से सामने आई है, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल रामलीला मैदान के पास ट्रांसफार्मर अचानक जलने लगा, जिसके बाद से काफी देर तक फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग को बुझाया। इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन कोई भी जानहानि हो सकती थी। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ट्रांसफार्मर धू-धू करके जल रहा है, लेकिन इसको बता दें कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है, यहाँ पर किसी की मौत भी हो सकती थी और ये बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही के कारण किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन अब तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करती हुई बिजली विभाग नजर आई है। और मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया कैदी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल दो दिन पूर्व मुठभेड़ में दौरान आपको बता दें कि शरगढ़ पुलिस और साथ ही बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद से बदमाश के पैर में गोली लग गई। इसके बाद से पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बीती रात मौके पाकर बदमाश पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। वहीं अब पुलिस बदमाश को तलाश करने में जुट गई है। वहीं बताया जा रहा है कि अस्पताल कैमरा चालू नहीं था, इसका फायदा उठाकर कैदी वहां से भागने में सफल रहा है। और ये मथुरा से जिला अस्पताल का मामला है। बता दें कि यहां पर जो बदमाश है वो फरार हो गया है, और साथ ही बता दें कि मुठभेड़ के दौरान इस बदमाश के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद इसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां अस्पताल का कैमरा चालू नहीं था, जिसके कारण वहां से जो बदमाश है फरार हो गया। इसी खबर पर हमारे साथ मथुरा से हमारे संवाददाता पिंटू जुड़ गए हैं। पिंटू, जिस तरीके से मथुरा से मामला सामने आया है, अस्पताल में एक बदमाश को भर्ती कराया जाता है, लेकिन अस्पताल में कैमरा नहीं होने के कारण इसका फायदा उठाकर बदमाश वहां से फरार हो जाता है, इस मामले पर पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? जी, मैं आपको बता दूंगा, उसमें जो टीम लगा दी गई है, तो जो फरार अपराधी था उसकी जांच कर रही है। अगर जो अपराधी था, अगर कहा गया बन गया कि अपराधी था, तो मुठभेड़ में बड़ा दोषी गिरफ्तार किया था, और उसके कारण मतलब जिला अस्पताल में बिना कैमरे जो कैमरे लगे हुए हैं वो सभी हड़प में गई थी। तो आगे पुलिस जो है किस तरह है बिल्कुल बिल्कुल पिंटू, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मथुरा का ये मामला सामने आया, जहां पर बता दें कि पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई थी, और उस मुठभेड़ में जो बदमाश थे उसके पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बदमाश इतना शातिर निकला कि उसको पता चला कि जिला अस्पताल में जहां कैमरा नहीं है, तो वो वहां से फरार हो गया। इसके बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, लगातार पुलिस जो है बदमाश की तलाश में लगातार जुटी हुई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।